हेलो एवरीवन, माय सेल्फ असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कुरी। पावर प्लांट में हमारे सेकंड यूनिट का लेक्चर नंबर 4, हम लोगों ने लामोंट, लॉफलर और बेंजन बॉयलर के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कीमेट हार्टमेट बॉयलर। ये बॉयलर भी जीटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार आया हुआ है। आप लोगों को 7 मार्क्स में ये सवाल पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकली हाई प्रेशर बॉयलर के मैनर में ही ये बॉयलर भी काम करता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो बॉयलर पढ़े थे वो सिंपल एक एक ही सर्किट के ऊपर काम करने वाले थे, जैसे कि बेंसन बॉयलर था, उसके अंदर सेपरेटिंग ड्रम था, हम लोगों ने सॉरी सिंगल ट्यूब बॉयलर था, लामोंट बॉयलर और लोफलर बॉयलर ऐसे थे कि जिसके अंदर हम लोग इवापोरेटिव ड्रम और सेपरेटिंग ड्रम का यूज़ करते थे। लामोंट बॉयलर और लोफलर बॉयलर से अलग और बेंसन से और भी ज़्यादा अलग ये हमारा स्कीमेटिक हार्टमेट बॉयलर, जिसके अंदर हम लोगों को 2 सर्किट मिलेगी। एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, यहाँ पर आपके पास में होगी प्राइमरी सर्किट और यहाँ पर होगी आपकी सेकेंडरी सर्किट। ऐसी 2 सर्किट हम लोगों के पास में हमारे स्कीमेटिक हार्टमेट बॉयलर के अंदर होगी। हम लोग 2 सर्किट के अंदर हीट ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से हम लोग हीट ट्रांसफ़र करने के बाद हमारी स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, जिसका यूटिलाइजेशन होगा हमारे पावर जनरेशन के लिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले जियोमेट्री समझा देता हूँ। एज यूजुअल ओवर हियर यू कैन सी योर एयर प्री हीटर, जो कि सारे बॉयलर्स के अंदर कॉमन होता है। ये हमारे लिए हो जाएगा सुपर हीटर फ्रॉम दिस साइड, ठीक है? तो एयर प्री हीटर और सुपर हीटर के बाद में ये होगा आपका इवापोरेटर ड्रम, ये होगा आपका प्राइमरी सेपरेटर, ये है हमारा इकोनोमाइजर। एक बात याद रखो, अभी तक हम लोगों ने जो भी बॉयलर देखे उसके अंदर कन्वेक्टिव एंड रेडिएंट इवापोरेटर आ रहे थे, अगर आपको याद हो तो, लामोंट, लोफलर और बेंसन, तीनों तीन बॉयलर के अंदर। अब हमारे पास में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी इवापोरेटर है जिसको हम लोगों को कंसिडर करके चलना है। यहाँ पर हम लोगों को रेडिएंट इवापोरेटर की कोई ज़रूरत नहीं, रेडिएंट इवापोरेटर हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे लिए वाटर ड्रम, ये है हमारा सोर्स के जहाँ से हम लोग हमारा वाटर क्या बोलते हैं, हम लोग हमारे वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे पंप के थ्रू और स्टीम प्रोडक्शन के यूटिलाइजेशन में यूज़ करेंगे। ये है आप लोगों का फीड प्री हीटर, ठीक है? ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है मैं आप लोगों को वर्किंग के साथ साथ समझाऊंगा। और ये है प्राइमरी सेपरेटर। थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन होगा आपके लामोंट, लोफलर और बेंसन बॉयलर से इसके अंदर, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो होगा क्या कि सबसे पहले तो फीड पंप जो है वो हॉट वेल में से आपके पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि सक करेगा। पंप है मतलब आपको सबका, आपको पंप का यूज़ पता ही होगा कि पंप बेसिकली क्या काम करता है। इट विल हैव सक द लिक्विड फ्रॉम द लोअर लेवल एंड विल रीच और इट विल सेंड द लिक्विड अप टू द हायर लेवल, ठीक है? ये उसका पंप का बेसिकली फंक्शन होता है। तो होगा क्या कि जो फीड वाटर है, मैं जूम करके दिखाता हूँ ओवर दिस साइड, ये जो फीड वाटर होगा हमारा, सॉरी दिस वे, फीड वाटर यहाँ से पंप के थ्रू आपकी फीड प्री हीटर में जाएगा और फीड प्री हीटर में हमारे वाटर को, आप लोगों को फिगर में ये दिख रहा होगा कि फीड प्री हीटर की जो सर्किट है वो कम्प्लीटली यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस लाइनिंग में बेसिकली इसी तरह से होता है, हमारा घूमता है। लेकिन क्या होगा कि प्राइमरी सेपरेटर का जो पानी होगा, गर्म पानी, वो आपके फीड प्री हीटर में आएगा और फीड प्री हीटर का जो पानी होगा वो इस तरह से नीचे कंटिन्यूस रोटेट होते रहेगा। क्यों? क्योंकि फीड पंप में से जो पानी आ रहा है, फीड पंप का पानी हमारे सेकेंडरी सर्किट में जाने वाला है, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर, ठीक है? तो फीड पंप का पानी सबसे पहले जाएगा कहाँ? फीड प्री हीटर में से ही निकलने के बाद आपका पानी, थोड़ा बहुत पोर्शन जो होगा पानी का, वो पोर्शन आप लोगों के वाटर ड्रम के अंदर यहाँ पर जाएगा फ्लो हो करके। और ये पानी हम लोग फ्लो कराएंगे हमारी प्राइमरी इवापोरेटर की सर्किट के अंदर। यहाँ पर प्राइमरी इवापोरेटर की सर्किट के अंदर जब हमारा वाटर फ्लो होगा, तब क्या होगा कि ये कंबशन चैम्बर की हॉट गैसेस की वजह से जो भी हॉट गैसेस आपकी जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से फ्लो होगी, मतलब इवापोरेटर कॉइल के साथ में 100% सरफेस कांटेक्ट एरिया बनाएगा। 100% सरफेस कांटेक्ट एरिया बनाने की वजह से क्या होगा कि इवापोरेटर ट्यूब के अंदर जो भी वाटर आपका सर्कुलेट हो रहा है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में जो वाटर आपका इवापोरेटर ट्यूब में घूम रहा है, इट विल बिकम ए हाई प्रेशर स्टीम। द प्रेशर ऑफ दैट स्टीम शुड बी अराउंड 80 to 90 bar और मोर देन इट।
और हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होने की वजह से, देखो जो ये जो इवापोरेटर के अंदर हम लोगों को स्टीम जनरेट होगी, उसकी उसकी कैपेसिटी होगी अराउंड 100 बार, ठीक है। और सेकेंडरी सर्किट के अंदर से हम लोग जो फ्लो कराने वाले हैं उसके स्टीम की कैपेसिटी होगी अराउंड 55 to 60 बार। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम लोगों को मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिलेगा हमारे इवापोरेटर ड्रम में, और वही मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करके देगा जो हम लोग सुपर हीटेड स्टीम का यूज़ करेंगे सुपर हीटर के अंदर, और फिर वहाँ से टरबाइन के अंदर। तो क्या हो रहा है कि इवापोरेटर के अंदर जो भी हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई हॉट गैसेस की वजह से, वो हॉट गैसेस की वजह से आप लोगों की स्टीम का प्रोडक्शन होगा इवापोरेटर ट्यूब के अंदर, प्राइमरी इवापोरेटर में, ठीक है। फिर जो भी स्टीम जनरेट हो रही है वो स्टीम जाएगी सीधा आपके प्राइमरी सेपरेटर में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर वाटर पोर्शन थोड़ा बहुत भी है तो वहाँ पर जमा हो जाएगा, अगर है तो। और ये नॉन रिटर्न वाल्व आप लोग देख सकते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व इसीलिए रखा जाता है कि अगर प्राइमरी सेपरेटर के अंदर बाय चांस कोई वाटर पार्टिकल्स रह रहे, जैसे कि जो स्टीम प्रोड्यूस होने के बाद में जो कंडेंस्ड पोर्शन होता है, मान लो कि स्टीम आपकी ट्रैवल कर रही है ट्यूब के अंदर, और ट्रैवलिंग के दौरान ड्यूरिंग द एटमोस्फेरिक कंडीशंस के वजह से, अगर उसके कॉन्टेक्ट की वजह से आपकी स्टीम ठंडी हो रही है, तो डेफिनेटली वो कंडेंस्ड स्टीम आपकी वाटर में कन्वर्ट होगी, तो ये जो वाटर बन रहा है वो वापस आपकी ट्यूब के अंदर ना जाए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक नॉन रिटर्न वाल्व को लगा देते हैं। इवापोरेटर ट्यूब के अंदर जो भी आपकी हाई प्रेशर स्टीम जनरेट हुई वो आपके प्राइमरी सेपरेटर में जाएगी, और प्राइमरी सेपरेटर से जाएगा आपके इवापोरेटर ड्रम में। इवापोरेटर ड्रम के अंदर क्या है, इवापोरेटर ड्रम के अंदर एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर आपकी सेकेंडरी सर्किट जा रही है, और सेकेंडरी सर्किट क्या है, तो आपके फीड पंप में से आने वाला पानी जो कि ट्यूब के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। अब इवापोरेटर ड्रम के अंदर जो भी आपकी हॉट स्टीम आई वो यहाँ पर कंटिन्यूसली रोटेट होगी एज यू कैन सी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये कंटिन्यूसली आपकी ट्यूब के अंदर यहाँ पर वो कंटिन्यूस रोटेट होगी। सेकेंडरी सर्किट के अंदर क्या था कि आपके फीड पंप की वजह से आपका ठंडा पानी एंटर हो रहा था, तो ये जो ठंडा पानी है वो आपकी सेकेंडरी सर्किट में घूमेगा और आपके इवापोरेटर ड्रम में जमा हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि जो भी हाई प्रेशर स्टीम आपके इवापोरेटर प्राइमरी इवापोरेटर में से आ रहा है, वो प्राइमरी इवापोरेटर आपके सेकेंडरी सर्किट के साथ रहे हुए पानी के साथ मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर आपके प्राइमरी इवापोरेटर की स्टीम का बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर आप लोगों की जो पानी आप लोगों का जो पानी है जो सेकेंडरी सर्किट के थ्रू आ रहा है वहाँ पर सिंपल पानी एटमोस्फेरिक लेवल का है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगी। सेकेंड थिंग क्या होगा कि प्राइमरी सर्किट जब हीट ट्रांसफर करने के बाद में निकलेगा तो इवापोरेटर ड्रम के अंदर जो आप लोगों की स्टीम जनरेट हो रही है वो स्टीम का प्रेशर हो जाएगा 55 to 60 बार। हीट ट्रांसफर की वजह से ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, न्यू प्रोड्यूस स्टीम जो कि सेकेंडरी सर्किट के पानी की वजह से हुआ, और ऑलरेडी प्रोड्यूस स्टीम जो आपके प्राइमरी इवापोरेटर के अंदर है, तो ये दोनों की प्रेशर डिफरेंस की वजह से और मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के चांसेस रहते हैं, और जो भी स्टीम आपकी प्रोड्यूस हो रही है वो स्टीम हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये हाई प्रेशर स्टीम फिर हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे स्टीम प्रोडक्शन के लिए। मतलब जो भी हाई प्रेशर स्टीम आपके इवापोरेटर ड्रम में जनरेट हुई है वो हाई प्रेशर स्टीम यहाँ पर आपकी सुपर हीटर की सर्किट में घूमेगा, और सुपर हीटर की सर्किट में क्या है, फिर से जो अभी तक मैंने आप लोगों को हर बॉयलर में बताया, यहाँ पर आप लोगों की फ्लू गैसेस जा रही है, फ्लू गैसेस की वजह से क्या होगा कि सुपर हीटर की कॉइल के साथ में फिर से 100% सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया बनाएगा और फिर से मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा, और ये मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करने की वजह से अगर आप लोगों की स्टीम के अंदर कोई भी मॉइस्चर पार्टिकल है तो वो मॉइस्चर पार्टिकल यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे, और वो मॉइस्चर पार्टिकल दूर होने के बाद जो सुपर हीटेड स्टीम हमारी है वो जाएगी सीधे टर्बाइन में, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं हमारे पावर जनरेशन के अंदर। तो ये थी हमारी सर्किट, ये था हमारा वर्किंग। देखो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हाँ फर्क सिर्फ इतना है प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिलेगी। इवापोरेटर ड्रम में जो आप लोगों की प्राइमरी इवापोरेटर में से आई हुई स्टीम है वो यहाँ पर हीट ट्रांसफर करने के बाद में आपके फीड प्री हीटर में जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। फीड प्री हीटर में क्या होगा कि यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा बहुत कंडेंसेशन होने की, अब हीट ट्रांसफर हुई है मतलब सीधी सी बात है स्टीम का कंडेंसेशन होगा, स्टीम का कंडेंसेशन होगा तो वो जो पानी गर्म पानी है वो गर्म पानी दैट हॉट वाटर will store into your feed preheater and that hot water will transfer the heat energy to the feed pump water which will circulate over this circuit.
और फिर वही पानी फीड प्री हीटर का वापस वाटर ड्रम में जाता है और वो आपके प्राइमरी इवापोरेटर में कंटिन्यूस सर्किट में घूमता रहता है। तो ये होता है वर्किंग। एयर प्री हीटर का फंक्शन आपको पता ही है कि एयर प्री हीटर में क्या होगा, जो भी आपकी फ्लू गैसेस ऊपर की तरफ जा रही है वो एयर प्री हीटर के पाइप के साथ ट्यूब्स के साथ में सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया 100% बनाएगा। ट्यूब के अंदर जो भी एटमोस्फेरिक एयर जा रही है उसके साथ में वो हीट ट्रांसफ़र करेगा, अगर मॉइस्चर है तो दूर करेगा, और वो हॉट एयर हम लोग फिर यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे कंबशन चैम्बर के अंदर। तो ये था हमारे स्कीमेटिक हॉट मेल्ट बॉयलर का फंक्शन। आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।